नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए जो प्रभाग रचना जाहिर की गई है उसमें हाल में 3852 आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और नवी मुंबई के कई प्रभागों में रचना को लेकर खामियां उजागर हुई हैं। उस सुनवाई में वासी के प्रभाग 28 और 27 का भी जिक्र हुआ है। उस प्रभाग में लंबे समय से शिवसेना के जिला प्रमुख विठल मोरे साहब काम करते रहे हैं। मोरे साहब, मैं आपसे ही जानने की कोशिश करता हूं, प्रभाग 27 और 28 में क्या खामियां रह गई थी जिसको लेकर आपने सवाल उठाया था? अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें नई मुंबई कॉरपोरेशन के लिए प्रभाग रचना 3 वार्ड की एक पैनल इस प्रकार की एक्सेप्ट की गई है और उसके वजह से 3 वार्ड अलग अलग सेक्टर में बांटे गए हैं। अभी ये जो पैनल नंबर 28 ये जो है वो सेक्टर वन ए, सेक्टर 3 और सेक्टर 6 और पैनल नंबर 27 में सेक्टर 7, सेक्टर 8, सेक्टर 9 है, सेक्टर 9, सेक्टर 10 है, सेक्टर 10, इस तरह के 3 वार्ड है वो पैनल बनाए 27। अभी जहाँ तक मेरा इसमें जो सवाल है, ये प्रभाग रचना करने में इलेक्शन कमीशन ने और कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारी उसमें प्रभाग रचना करने वक्त कुछ डिवीजन ऐसे किए ताकि सर्विसेज अलग और रेसिडेंस अलग अलग, उससे अभी कोई भी अगर कॉरपोरेटर चुन के आएंगे तो सर्विसेज जहाँ पर उपलब्ध है उधर रेसिडेंस नहीं है, क्यों? रेसिडेंस जो वोटर्स है उनकी कंप्लेंट्स हमेशा रहेगी, वो कॉरपोरेटर अलग और जहाँ पर सर्विसेज उपलब्ध है वो कॉरपोरेटर अलग। इसके लिए मैंने कुछ सुझाव दिए। पहला ऑब्जेक्शन यह था कि सेक्टर 1 से लेके 6 तक जो वार्ड है वो स्वतंत्र वार्ड है, लेकिन उसमें हमारा सेक्टर 7 और 8 उसको अलग रखा। अभी सेक्टर 7 और 8 का लोकेशन आप देखेंगे तो एकदम क्रीक को लगे हुए हैं। यस। और इस टाइम में इस तरफ हाईवे की तरफ है जो नेशनल हाईवे, अभी उनको जोड़ा है सेक्टर 9-10 में और सेक्टर 9-10 का उनका संबंध नहीं है और उधर कोई सर्विसेज उनके लिए है नहीं। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये पैनल नंबर 28 उसमें सेक्टर 6-1 और उसमें 7 और 8 इस इलाके को जो इफेक्ट करता है सबसे बड़ा पहला वो इफेक्ट है बिलो सी लेवल। ये एरिया जो डेवलप हुआ है वो बिलो सी लेवल होने से उनकी जो भी प्रॉब्लम भी बारिश में एक ही टाइम अगर आपकी बाढ़ आती मतलब भर्ती आती हाई टाइड और बारिश तो उसमें जो पानी जमा होता है वो पानी बाहर फेंकने के लिए प्रोविजन ये हमारे होल्डिंग पॉइंट में किया है। होल्डिंग पॉइंट आपने डाला सेक्टर 9A 9A में और उसका इफेक्ट होता है सेक्टर 6-8 में। तो हमारी ये मांग है कि सबसे पहले उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सेक्टर 7 और 8 को सेक्टर 6 को ज्वाइन करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ का जो भी लोक प्रतिनिधि रहेगा, जो भी कॉर्पोरेटर रहेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में जुड़ा रहेगा। अभी देखिए दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय ऐसा है, ये तीनों सेक्टर 6-8 उनका जो वाटर कनेक्शन है वो इंटर कनेक्टेड है। तीनों टाँकियाँ सेक्टर 3 का एक टैंकी वाटर टैंक है, सेक्टर 6 की वाटर टैंक है, सेक्टर 8 की वाटर टैंक है, वो तीनों टाँकियाँ इंटर कनेक्टेड है। सपोज अभी एक सेक्टर 6 का टैंकी का काम पूरा चल रहा है, पूरा टाँकी पूरा खोल दिया है और नया टाँकी बनेगा, लेकिन सेक्टर 6 को पानी मिल रहा है। इसका मतलब वो इंटर कनेक्शन होने से यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्रभाग 28 में रहना जरूरी। आपने सुनवाई में सीरियसली इस मुद्दे को उठाया था, कमिश्नर और जो निर्वाचन अधिकारी थे वो उनका क्या रवैया था इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि खामी तो है? उनका रवैया मुझे आज मालूम नहीं पड़ेगा, क्यों मेरे जैसे 3852 लोगों ने वहाँ पर ऑब्जेक्शन लिए, सजेशन दिए, अभी उसमें उनको सबकी सुनवाई ली है। अभी उनका मिनट कुछ चल रहा है, उसके बाद में वो मिनट पर जाके देखेंगे किसी ने अपनी जो राय सही मायने में रखी है
उनको जस्टिफाई करेंगे। और मैं समझता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं इस एरिया में मोर देन 45 ईयर्स रहता हूँ, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है प्रशासन को विनंती करना या इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करना, ये मेरे एक जिम्मेदारी बनती है। वो कर्तव्य भावना से मैंने मेरे विचार उनके सामने रखे। लेकिन अभी ये जो वार्ड हुआ है, वो वार्ड सेक्टर 1 टू 6, उसमें सेक्टर 1, 1A, सेक्टर 3 और सेक्टर 6। अभी कुछ लोग समझते हैं भाई ये वाशी गांव को जुड़ा है। पैनल में 3 वार्ड आते हैं, उसमें प्रपोजल ऐसा रहेगा भाई ABC इस तरह के वार्ड आएंगे, कौन सा ए को जाएगा और कौन सा बी को जाएगा, वो जब इलेक्शन कमीशन तय करेगा तब मालूम पड़ेगा, उसके सिवा मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन ए किधर भी रहेगा, बी किधर भी रहेगा और सी रहेगा, तो ABC ये 3 वार्ड में अगर वासी गांव है, आगे सानपाड़ा है और सेक्टर 6 आया, तो एक पैनल में आएंगे, एक वार्ड में नहीं, वार्ड इज सेपरेट। तो इसके लिए लोगों के मन में कुछ गलत फहमी है और वो गलत फहमी दूर होनी चाहिए। कुछ लोगों को ये जानते नहीं, इधर का हिस्ट्री उनको मालूम नहीं। अभी देखिए, मैं यहाँ पर 45 साल के ऊपर मैं रहता हूँ, ज़्यादा टाइम मैं रहता हूँ। 1976 में इस शहर में मैं रहने के लिए आया हूँ और 20 साल मैं कॉरपोरेशन में एक नेतृत्व कर रहा हूँ, एज अ वार्ड कमेटी चेयरमैन, एज अ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, एज अ लीडर ऑफ द हाउस, सब कैपेसिटी में मैं काम किया हूँ। और लोगों ने जो जो सुझाव दिए, उस सुझाव के मुताबिक मैं काम किया हूँ। जो जो आपने जिक्र किया कि कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय नगर सेविका रही हैं, उन्होंने इसको रेज किया कि ये 7-8 इलाके को वासी गांव में डाल दिया गया, ये कितना सही है? नहीं, अगर उन्होंने इस तरह का लोगों को कुछ जानकारी दी है वो गलत है। लेकिन यहाँ के लोग है ना, बहुत जानकार हैं, उनको अंग्रेजी भी समझती है, उनको हिंदी अच्छी आती है और कुछ लोग मराठी भी बहुत अच्छा जानते हैं। मराठी लोग इधर बड़े पैमाने पर मराठी लोग भी हैं। लेकिन मैं अगर कुछ गलत बोलूं तो लोग उससे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? अगर मैं जानबूझकर एज अ पॉलिटिकल मैलेज के लिए मैं झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने का मैं कोशिश करूं तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जो सही बात है, यहाँ पर जो सिडकों ने ये शहर को डेवलप किया, उन्होंने जिस तरह डिज़ाइन किया है, यहाँ के टोटल जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन देखकर इसको डिज़ाइन किया है और ये डिज़ाइन के मुताबिक उसका मेंटेनेंस होने के लिए, करने के लिए ये सेक्टर 6, 7, 8 ये साथ में रहना जरूरी है। सेक्टर 7 और 8 प्रभाग 28 में नहीं जुड़ता है तो इससे क्या समस्या बड़ी पैदा हो सकती है, और अगर जुड़ जाता है तो समाधान कितना बड़ा होगा? देखिए, अभी आप अगर देखेंगे तो सेक्टर 7 और 8 नहीं जोड़ेंगे तो उनका पूरा व्यवहार सेक्टर 7 और 8 का ये नेशनल हाईवे से जाता है। कैसा? अभी सेक्टर 8 के लिए उन्होंने अंडरपास बनाया, सेक्टर 7 के लिए अंडरपास है, सेक्टर 6 के लिए अंडरपास है। अभी वो अंडरपास से हम लोग मुंबई जाना है तो अंडरपास होके ही जाना पड़ता है। अगर हमको स्टेशन जाना है, हमको वासी गांव जाना है, हमको स्टेशन की तरफ जाना है, कोई ऑफिस में जाना है, पनवेल जाना है या वो सानपाड़ा की तरफ जाना है, बेलापुर की तरफ जाना है, तो ये अंडरपास होके हम जाते हैं। लेकिन अंडरपास के यहाँ हाईवे के वजह से या इस इलाके में जो भी प्रॉब्लम करने के लिए, मतलब जो चीज़ें हैं, उससे वो प्रॉब्लम आने से इन लोगों को फेस करना पड़ता है और सारी प्रॉब्लम्स रहेगी पैनल नंबर 8 में 28 में, और रहने वाले लोग रहेंगे सेक्टर 7 और 8 में। रहवासी जो वोटर्स है 27 में, सेक्टर 7 और 8 ये पैनल नंबर 27 में आता है। 27 के लोग व्यवहार उनका इधर रहेगा और उनका रहने का जगह 27 में रहेगा, बट 28 ये सेक्टर 7 और 8 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पैनल है जहाँ पर उनका होना जरूरी है। मतलब अगर ये फैसला होता है कि प्रभाग सेक्टर 7 और 8 को अगर प्रभाग 28 से मिला दिया जाता है तो इससे यहाँ के जो रहवासी हैं उनकी जो सर्विसेज हैं उनका समाधान हो सकता है। देखिए, अभी रहवासी है लेकिन मैं आज के इलेक्शन के तौर पर उनको मतदाता बोलता हूँ,
मतदाता उनकी डेफिनेटली अपेक्षा है, मैं जिनके लिए वोट किया है या जिनको मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ और वो मेरे सामने रहना चाहिए, ओके वो मेरे साथ रहना चाहिए। इस खामी को कमिश्नर और निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष रखा है और अब कितनी उम्मीद आपको लग रही है कि इसका निश्चित तौर पर समाधान होगा? अभी एक बात उसमें मैं और जोड़ना चाहता हूँ, देखिए अभी इस इलाके में इस सेक्टर 128 ये नवंबर में पहला पार्ट पहला पोर्शन डेवलप हुआ है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कम्युनिटी सेंटर पुराना कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 1 में है, उसके बाद में जो हमारे फिश मार्केट है सब्जी मार्केट है सेक्टर 1A में, उसके बाद में ग्राउंड है वो जागृतेश्वर गार्डन है बड़ा गार्डन है, उसके बाद में नवंबर स्पोर्ट्स क्लब है, उसके सामने पुलिस स्टेशन के सामने एक ग्राउंड है, एमजीएम हॉस्पिटल के सामने गार्डन है, ये सब चीजें जो जिसकी जो फैसिलिटी का हमें फायदा उठाना है वो फैसिलिटी रहेंगी 28 में लोग रहे थे 27 तो वो पहला सुधार अगर करेंगे तो लोगों को इस एरिया के जो शुरू में जो डिजाइन हुआ है शिल्प की तरफ से डेवलप हुआ है वो लोगों को न्याय मिलेगा। अगर ये नहीं करते तो लोग देखिए कभी क्या होता है फिर 5 साल गुजरना पड़ता है नाराजी से, तो ये चीज लोगों के मन में नहीं आना चाहिए। आखिर में हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम अगर टैक्स पे करते हैं तो हमें उसकी सर्विसेज मिलनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है हक है और वो हक के लिए लोग लड़ेंगे। सर बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि वाशी का जो ये प्रभाग 28 और 27 है इसमें कुछ ऐसी खामियां रह गई हैं कि सेक्टर 7 और 8 को प्रभाग 28 से निकालकर प्रभाग 27 में डाल दिया गया है, और जैसा कि शिवसेना जिला प्रमुख विट्ठल मोरे साहब ने निर्वाचन विभाग और महानगर पालिका को बहुत टेक्निकल ग्राउंड पर इसकी शिकायत दी है, सुनवाई भी पूरी हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि निर्वाचन विभाग और महानगर पालिका टेक्निकल ग्राउंड पर ही इसका समाधान निकालेंगे ताकि यहाँ के रहवासियों को यहाँ के लोक प्रतिनिधियों के जरिए सेवा और सुविधाएं मिल सके। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 India नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।